एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रांच। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर। आई गेस दो तीन लेक्चर्स और एंड आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूं, करंट क्रांच पे मैं लेके आती हूँ आपके JKSSB का जो सुपरवाइजर एग्जाम है उसके कोर्सेज। तो करंटली आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है एंड इसकी मैराथन कम रिविजन सीरीज प्लस MCQ सीरीज अभी चल रही है। जो हमारे वीडियोस पेंडिंग है यूनिट थर्ड ऑनवर्ड्स, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी जल्दी। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दोज लेक्चर्स। मैंने आपको कल भी कहा कि जो अभी तक आपको नहीं मिला, जो अभी तक मिल गया है आपको, आप उस पर फोकस करो, रिविजन अपना MCQs को रिवाइज करो। ठीक है, एंड आपके जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करो। आपके जो मैराथन वगैरह रहता है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी, उसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइन, एंड देन कल के वीडियो में आई होप वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। मैंने आपको टाइम टेबल बताया था कैसे करके क्या आपको इस मंथ को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है। ठीक, तो इसमें हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। प्लस अगर आप UPSC या स्टेट PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC स्टेट PSC एंड सोशोलॉजी आपका ऑप्शनल है, तो उसके लिए भी मैं कोर्स लेके आती हूँ। आपको नितिन सांगवान सर के नाम से अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पेपर ए हमारा कंप्लीट हो गया है नितिन सर की बुक का एंड पेपर बी जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। प्लस मैं UGC नेट के भी कोर्सेज जो हैं जल्दी स्टार्ट करूंगी एंड आपका कंप्यूटर लाइक प्रोग्रामिंग SQL वगैरह वो भी चैनल पे आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो इन केस यू डोंट वांट टू मिस आउट दीज थिंग्स। एंड प्लस आपके जैसे NT का एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस आएगा, कॉन्स्टेबल एग्जाम का सिलेबस आएगा, तो जैसे नया नया सिलेबस आएगा वो मैं वीडियोज बनाती रहूंगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरा YouTube एनालिटिक्स मुझे बताता है अभी भी 49% लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं रेगुलर वॉचर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, आप प्लीज सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट से बताएं वीडियोस कैसे लगते हैं। सिंस दिस वर्क इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइज, अगर आप चाहें तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं जो कॉमेंट्स में आपको हार्ट के अंदर वो डॉलर साइन वाला सिंबल दिख जाता है, या आप चाहें तो वॉलंटियरली भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको UPI ID मेरा कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा हिस्ट्री का लेक्चर। पहले मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू हम देंगे लेंगे ताकि आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो मैंने आपको बोला 1600 में आई ईस्ट इंडिया कंपनी आई, प्राइवेट कंपनी थी ट्रेड के स्पाइसेस के लिए। फिर हम पढ़ते हैं 18 हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो हम ट्रेस करते हैं 1857 से। तो 1857 का रिवोल्ट हुआ पहले, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हुई, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें जो कंपनी रूल था वो लेके किसके पास चला गया, क्राउन रूल। फिर हमने देखी प्री INC ऑर्गेनाइजेशंस कुछ इंपॉर्टेंट एंड उनके लीडर्स वगैरह, वो नाम आपको याद करने हैं। फिर 1885 से हमारा INC दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला जो एरा है वो स्टार्ट हो गया। तो पहले मॉडरेट फेज था, आपके मॉडरेट्स कौन से थे, वही जैसे जो घर में बुजुर्ग वगैरह होते हैं, पुराने ख्यालात के लोग, ठीक है, जो लड़ाई करके वॉयलेंट तरीके से पैसिव तरीके से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। फिर आपके आगे एक्सट्रीमिस्ट फेज, ये थे पैसिव रेजिस्टेंस वाले, ठीक है, जो बिलीव करते थे बॉयकॉट वाले पे, ठीक है, नॉन वायलेंट, वायलेंट ही नहीं थे ये, पैसिव रेजिस्टेंस वाले थे, यंग ब्लड था तो वैसे ही बातें करते थे। फिर हमने देखा गांधीयन फेज, उसमें हमने देखा गांधी से रिलेटेड केक दैट इज द चंपारण अहमदाबाद एंड खेड़ा, वो तीन चीजें हमने पढ़ी। और मैंने आपको कहा था एक होम रूल मूवमेंट, वो भी हमने पढ़ लिया 1916 में। इंपॉर्टेंट नाम हमने कौन से देखे थे, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उसके बाद बीच में हमने लखनऊ पैक्ट देखा या सूरत स्प्लिट वगैरह, लखनऊ पैक्ट हमने देख लिया, सूरत स्प्लिट देखा, ठीक है। तो मैं डिटेल यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं वो पूरा सारा एक्सप्लेन करने बैठूं। तो 1920 to 22 हमने क्या देखा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके पीछे के क्या रीजन देखे, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, जलियांबाग वाला केस, ठीक है, और इमिडिएट कॉज क्या था उसका, खिलाफत इशू, खिलाफत, प्लस और एक रीजन क्या था उसका, रौलाट एक्ट 1919। तो ऐसे करके आप टाइमलाइन बना के क्या करोगे, अपने नोट्स पे रिवाइज करोगे। एक और बात जो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती हूँ उसका PDF मेरे पास नहीं है, इट्स वेरी ऑब्वियस, जो मैंने खुद नहीं लिखा है कहीं पे या शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं स्लाइड्स में, तो उसका PDF मैं आपको कहाँ से दूंगी। आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी मेहनत इसमें लगेगी, ऑल दो आपको अगर आप बिल्कुल ही नहीं लिखना चाहते हो एटलीस्ट इतना कर लो, जो हर पेज है 7 या 6 बोर्ड्स यूज होते हैं आपको पढ़ाने में, ठीक है, वो 7-6 का आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है हर एक का। फिर आपको ऑनलाइन जाके इमेज को PDF में ये करना है, अच्छे कन्वर्ट कर देना है, जो इजीली हो जाता है ऑनलाइन फ्री, आप आराम से कर सकते हो। आपने वो 7 पेजेस को कन्वर्ट कर लिया, फिर आप कोई एक डॉक्यूमेंट रीडर डाउनलोड कर लो, जैसे जोडो डॉक्यूमेंट्स में वो यूज करती हूँ,
उसको डाउनलोड करके आपको क्या करना है, उन 7 पेजेस को मर्ज कर देना है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, आधा घंटा लग सकता है, आधा घंटा भी नहीं, जिसको ये काम आता है अच्छे से 5-10 मिनट का काम है, तो आपके पास ये सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएंगे, क्योंकि मैं इससे ज्यादा आपके लिए नहीं कर सकती। और मैं ये अब पीडीएफ वगैरह ये कन्वर्ट करना, इसको वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर मेरे पास इसका रिटर्न नोट होता और स्कैन करके मैंने पढ़ाया होता तो मैं आराम से आपको पीडीएफ दे देती, ठीक है। तो आज देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। हमने इंडियन हमने नेशनल एनसीएम तक पढ़ लिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने देख लिया था, उस सब में क्या हुआ था, ठीक है। अब हमें देखना है इवेंट्स बिटवीन 1922 to 1930, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या हुआ, एक क्रोनोलॉजी में चलेंगे, उसे क्या हो जाएगा आपके लिए भी जो लर्न करना है वो इजी हो जाएगा, एंड समझना जो है वो इजी हो जाएगा। तो पहले क्या हुआ, पहले हम देखते हैं एक स्वराज पार्टी, आज हम क्या पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी जो बनी थी 1923 से 1927। फिर हम देखेंगे एक साइमन कमीशन। अब हम 1947 की तरफ चल रहे हैं, ज्यादा हमारा सिलेबस का पोर्शन नहीं रहा है। साइमन कमीशन 1927 टू 1928 एंड लास्ट में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं। एटलीस्ट स्वराज और साइमन कमीशन तो आज ही हम कवर करेंगे, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्वराज पार्टी से। प्लस हाँ, स्वराज पार्टी के साथ हम ये भी देखेंगे, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर आपको दिया था तो मैंने कहा था फेज टू भी था एक रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का, फेज टू ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बोल लो, या मिलिटेंट नेशनलिज्म भी लिखा होता है बुक्स पे, 1923 टू 1931, तो ये भी इसी टाइम लाइन के अंडर आता है, तो वो भी हम आज देखेंगे, ठीक है। तो स्वराज पार्टी बेसिकली क्या होता है, देखो जब भी ये हमारा एंड हो गया, मैंने आपको क्या कहा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है सडनली एंड हो गई। किस वजह से एंड होगी, चौरी चौरा में जो इंसिडेंट हुआ था, वो पुलिस स्टेशन को आग लगाई गई थी चौरी चौरा, ठीक है। तो गांधी जी ने वो सडनली कॉल ऑफ करी थी मूवमेंट, उसके बाद क्या किया था, गांधी जी को अरेस्ट किया था। अब जब उनका जो मेन लीडर है वो अरेस्ट हुआ, तो जो पार्टी है वो उसमें बीच में क्या आ गई, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गई, ठीक है। तो कोई कुछ लोग कुछ अलग चीज चाहने लगे थे उस पार्टी में कि हमें नहीं, हमारा तरीका हमें चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोग थे जो कहते कि नहीं, हमें तरीका चेंज नहीं करना है, जो गांधी जी ने हमें फ्रेमवर्क दिया है हम उन्हीं लाइंस पे काम करेंगे। तो क्या हुआ, गांधी जी के अरेस्ट के बाद आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आफ्टर गांधीज अरेस्ट पोस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद क्या हुआ, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गई, क्योंकि उनको अरेस्ट किया हुआ था। एक बार मैं स्क्रीन थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, वेट। तो ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गई, तो एक स्प्लिट हो गया। अब कुछ लोग थे जो चाहते थे, वेट, सम पीपल वॉन्टेड चेंज, ठीक है। तो जो चेंज चाहते थे उनको हम बोलते हैं प्रो चेंजर्स, और जो लोग चेंज नहीं चाहते थे, जो चाहते थे कि हम वैसे ही काम करें जो हमें गांधी जी ने सिखाया हुआ है, उनको बोलते थे नो चेंजर्स, नॉन नहीं नो चेंजर्स, एंड इनको बोला जाता था प्रो चेंजर्स, ठीक है, जो चेंज के साथ थे, दूसरे थे जो चेंज के अगेंस्ट थे। ये प्रो चेंजर्स हैं, वो क्या चाहते थे, मेन जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थी वो किस पॉइंट पे थी, प्रो चेंजर्स चाहते थे दे वांटेड टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब इलेक्शन होने वाले थे, उनका मानना था हम अगर कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, हम पार्टी में असेंबली में आ जाएंगे, तो हम इनसाइडर होके भी काम कर सकते हैं फ्रीडम मूवमेंट के लिए, तो हम वहां पे भी असेंबली में ऐसे ही बातें उठाएंगे, वही चीजें लेके आएंगे जो हमारे इंडियंस के लिए, हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दे वॉन्टेड टू कंटेस्ट इलेक्शन टू बिकम मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो नो चेंजर्स थे दे डिड नॉट वॉन्ट इलेक्शंस, डिड नॉट वॉन्ट इलेक्शंस, फाइन। ये कहते थे कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो चलाकी कर रहे हैं, एंड वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमारे पे अपना रहे हैं,
डिवाइड एंड रूल, तो हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे, हमें गांधी जी की लाइंस पे ही चलना चाहिए, ना कि इलेक्शन वगैरह कंटेस्ट करने का सोचना चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या आ सकता है, पहले आपको प्रो चेंजर्स कौन है ये आ सकता है, नो चेंजर्स कौन है ये आ सकता है। प्रो अगर आपको थोड़ा वो डीप पूछना चाहे तो हो सकता है प्रो चेंजर्स में किसी कोई एक नाम दे दे और आपसे पूछे कि चेंज प्रो चेंजर थे या नो चेंजर थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट नाम है सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। एंड नो चेंजर्स में इंपॉर्टेंट है राजा गोपालाचारी एंड योर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। ये चाहते थे कि गांधीयन आइडियल्स पे हम चलें और ना कि हम इलेक्शन कंटेस्ट करें, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, फर्स्ट जनवरी 1923 को इन्होंने क्या किया, एक पार्टी स्टार्ट की जिसको बोलते हैं खिलाफत स्वराज पार्टी, खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है। ये कौन थे आपके स्वराजिस्ट, स्वराजिस्ट ने स्टार्ट की, स्वराजिस्ट कौन थे आपके प्रो चेंजर्स। तो विद इन द कांग्रेस ये पार्टी बनी थी जो इलेक्शन कंटेस्ट करती, तो काइंड ऑफ एक स्प्लिट आप बोल सकते हो, शिज्म आप बोल सकते हो आ गया था, शिज्म मतलब एक हल्का मनमुटाव जो है, ब्रेक काइंड ऑफ आ गया कांग्रेस में। लेकिन ये जो स्प्लिट था जो इस टाइम पे प्रो चेंजर नो चेंजर का था, ये सूरत स्प्लिट जैसा नहीं था, क्योंकि जो सूरत स्प्लिट था उसमें क्या हुआ था, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का, तो उसको बोलते हैं वो एक वायलेंट स्प्लिट स्प्लिट हो गया था, लेकिन ये एक साइलेंट स्प्लिट था, ठीक है, ये वायलेंट नहीं था, इसको साइलेंट और डिसेंट तरीके से स्प्लिट हो गया था। एंड कांग्रेस के विद इन ये खिलाफत स्वराज पार्टी बनी थी जिनको हम स्वराजस बोलते हैं, उन्होंने कहा था हम क्या करेंगे, हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। आगे इन्हीं का देखते हैं, इनका क्या एम था, जो आपकी खिलाफत स्वराज पार्टी थी, इनका एम था अटेन करना स्वराज। एम एम आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उनका क्या एम था, एम वॉज टू अटेन स्वराज, ठीक। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन, मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या था इनका, कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो 1923 से लेकर 1926 तक के टाइम में इन्होंने क्या किया वो हम इस पीरियड में ट्रेस करते हैं, हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको याद रखना है 1926 में इनको एक बहुत 1925 में इनको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला, सी आर दास जो इनके मेन लीडर थे उनकी डेथ हो गई, सी आर दास की डेथ हो गई। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, 1925 में एक इम्पॉर्टेंट लीडर विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, इनको क्या किया गया था, इनको बनाया था प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली सीएलए। ये जो पोस्ट है इक्वल है किसके, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन थे टू होल्ड दैट पोस्ट, फर्स्ट इंडियन। तो अगर डायरेक्टली ये एग्जाम में आ जाए कौन से पहले इंडियन थे हु वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सीएलए, ही वाज विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। तो ये था आपका कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको भी रियलाइज हो गया कि हमारा काम ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जो स्वराजिस्ट थे, अच्छा यहाँ पे और एक चीज, इनके बीच में भी आगे जाके स्प्लिट हो गया प्रो चेंजर्स और स्वराजेस के बीच में, ये बन गए आपके नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ, जो स्वराजेस्ट हैं उनका स्प्लिट हो गया स्वराजेस्ट का एज रेस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट, रेस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिविस्ट कौन थे आपके, ये बेसिकली इसमें देख लो, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एम एम मालवीय, ये दो नाम लिख लो आप। तो ये बेसिकली क्या करते थे, ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये उसके साथ कोऑपरेट करें, फाइन। जो रेस्पॉन्सिविस्ट थे, लाला लाजपत राय एग्जाम्पल लिख लो, एल एल राय, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एम एम मालवीय। तो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट के साथ ये क्या करें, कॉपरेट करें। प्लस ये क्या करते थे, ये ज्यादा हिंदू इंटरेस्ट की बात करते थे, एडवोकेटेड हिंदू इंटरेस्ट्स।
तो जो लोग स्वराजिस्ट पार्टी के इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे वो बाद में अलग बन गए थे एंड उनका नाम था नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। तो स्वराजिस्ट में भी आगे जाके क्या हुआ था, ब्रेक हो गया था, इसीलिए जो कांग्रेस खिली, जो खिलाफत स्वराज पार्टी है, ये ज्यादा चली नहीं थी। ठीक है, तो बाद में इन सब ने क्या किया था, पार्टी को डिजोल्व किया था एंड अगेन इन्होंने कांग्रेस ही ज्वाइन की थी। तो ये था आपका खिलाफत स्वराज पार्टी। आगे हम देखते हैं रेवोल्यूशनरी टेररिज्म या रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, उसको बोलते हैं हम, टेररिज्म नहीं बोलेंगे, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, उसका फेज टू। ठीक है, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म फेज टू, वो है आपका 1923 से 1931। तो इनका एम क्या रहा है स्टार्टिंग से ही, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको सटल डिफरेंसेस हैं, आपको पता होनी चाहिए। अभी तक कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज नहीं बोला है, जो मॉडरेट्स थे उनका स्टार्टिंग से स्वराज नहीं था एम, एक्सट्रीमिस्ट का स्टार्टिंग से था। उसके बाद क्या हुआ था, स्वदेशियन बॉयकॉट के टाइम पे, उसके बाद जब सेशन था, आई गेस कैलकटा का सेशन था, तो उन्होंने, तो उसमें इन्होंने कहा था कि हमारा एम भी है टू अटेन स्वराज, मॉडरेट्स ने, पहले से मॉडरेट्स का ये एम नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट का पहले से है। और यहाँ पे जो पूर्ण स्वराज है ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म वाले लोगों का है और ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उनका हम आगे पढ़ेंगे, वो लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में हुआ था, वो हमें आगे डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ पे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो है ये स्टार्टिंग से ही वॉयलेंट थे, इनका एम तो चलो इनका पूर्ण स्वराज था, मेथड क्या था इनका, टू किल द ब्रिटिश, इनको बस लोगों को मार, ब्रिटिश के जो भी लोग थे यहाँ पे जिन्होंने कब्जा किया हुआ था उनको मारना था। ठीक है, ये इनका स्टार्टिंग से ही रहा है। तो वो कैसे करते थे, लूट करके, लूटिंग, पैसे फंड रेजिंग कैसे करते थे, लूटिंग, डिकॉयटीज जिनको डकैतियां बोलते हैं, रॉबरी। ठीक है, और क्या करते थे ये, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते थे। आपने भगत सिंह मूवी वगैरह देखी होगी ना, हाँ, तो वो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का ही पार्ट है, वो वैसे ही इनकी एक्टिविटीज हुआ करती थी। अब ये जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म है इसको भी हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप, ठीक है, जो ग्रुप 1 है इसमें थे आपके रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम बिहार, यूपी, पंजाब, एंड जो ग्रुप 2 है ये थे आपके रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम बंगाल। पहला ग्रुप देखते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ ग्रुप 1, ठीक है, इस ग्रुप में देख लो 1924 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेटअप किया एक, इन 1924 इन्होंने बनाया एक हिंदुस्तान रिपब्लिक, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, HRA, ये स्टार्ट की थी कानपुर में बाय सचिन सान्याल, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, सचिन सान्याल एंड राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इन दो लोगों ने सेटअप की थी एक हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। जो मेंबर्स थे HRA के उन्होंने क्या किया था, उन्होंने काकोरी रॉबरी, उसको बोलते हैं ट्रेन, उन्होंने लूट की थी काकोरी में, काकोरी रॉबरी केस इसको बोला जाता है। जो मेंबर्स थे HRA के इन्होंने काकोरी रॉबरी की थी, तो काकोरी रॉबरी किनने की थी, HRA के मेंबर्स ने। ठीक, ये चीज भी आप याद रखोगे। तो इनके लिए ऑर्डर किया गया था शूट एट साइट, फाइन। 1928 में क्या हुआ, देखो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में आपको बस डॉट्स कनेक्ट करने आने चाहिए, ईयर्स कनेक्ट करने आने चाहिए, बाकी कंसेप्चुअल एज ऑफ समझाने का कुछ नहीं है, बस आपको सारे इवेंट्स पता होने चाहिए कब क्या हुआ है। आई नो ये काफी ज्यादा हो जाता है ओवरवेलमिंग, ये सारे डेट्स वगैरह इवेंट्स याद करना, बट इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, आपको याद करने पड़ेंगे। 1928 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी है इसको, इसका नाम चेंज करके ये बना था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, आपके जो भगत सिंह वगैरह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, वो इसी के ही पार्ट थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। भगत सिंह एंड जो आजाद है उन्होंने क्या किया था, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आगे देख लो, भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद,
चंद्रशेखर आजाद, इनने क्या किया था? इन्होंने एक असैसिनेट किया था एक पुलिस ऑफिसर को जिसका नाम था सॉन्डर्स, पंजाब लाहौर में, ठीक है, इन पंजाब लाहौर असैसिनेट किया था सॉन्डर्स को, ठीक। ये वो सॉन्डर्स था हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ लाला लाजपत राय। फाइन, वो एंटी साइमन प्रोटेस्ट, वो हमें आगे देखना है साइमन कमीशन क्या आया था, क्यों आया था एंड प्रोटेस्ट क्यों हुए थे। फिर 1928 में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था? 1928 में भगत सिंह, ये हम रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने क्या किया था? दे थ्रे बॉम्ब इनटू, इन्होंने बॉम्ब किया था किसको? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को। वो बॉम्ब ऑल तो काफी एक लो इंटेंसिटी का था, मतलब उससे कोई मरा भी नहीं था उस बॉम्ब से, वहां पे असेंबली के अंदर बॉम्ब करने से कोई डेथ वगैरह नहीं हुई थी, पर इनका था कि हमें क्या करना है, हम वो बॉम्ब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक द डेफ एयर्स हेयर, ठीक है। वो आपको लिखना नहीं है, वो बस आपको समझाने के लिए है कि हमें बस अपना एक तरी अपना मतलब अपना एंगर दिखाना है उनको, ब्रिटिशर्स को, जो वहां पे उस असेंबली में जो प्रेजेंट थे उनको अपना एंगर दिखाना है। तो वो जो बॉम्ब था काफी लो इंटेंसिटी था, उससे कुछ हुआ नहीं था। अब वो एंगर उनको किसके अगेंस्ट दिखाना था? वो उनको दो चीजों के अगेंस्ट दिखाना था, एक पब्लिक सेफ्टी बिल थी, पब्लिक सेफ्टी बिल, और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है। जो पब्लिक सेफ्टी बिल थी वो इसके अगेंस्ट थी कि इंडियंस वर नॉट गिवन परमिशन टू कीप अ वेपन, ठीक है, एंड जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल थी वो किसके अगेंस्ट थी? दे वांटेड टू सप्रेस द ट्रेड यूनियन। तो इन दो बिल्स के अगेंस्ट भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त जो है उनने बॉम्ब किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और उनका एम था टू मेक द डेफ एयर्स हेयर द वॉइस, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रुप वन का, उनका कोर्स ऑफ एक्शन, रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम बिहार पंजाब एंड यूपी। ग्रुप सेकेंड कौन से थे आपके? रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम बंगाल, बंगाल ग्रुप सेकेंड, ठीक। तो इसमें इंपॉर्टेंट नाम याद रखोगे आप, सूर्य सेन, ये स्कूल टीचर थे इन चिटगोंग। ये एक्चुअली पहले गांधी से काफी इंस्पायर्ड थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ने पार्टिसिपेट भी किया था, बट जब वो उन्होंने कॉल ऑफ की थी अचानक से वो मूवमेंट, फिर ये आ गए थे टुवर्ड्स रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। स्कूल टीचर इन चिटगोंग, चिटगोंग ये कहाँ पे है? बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जो क्या करती थी? रॉबरी ऑफ आर्म्स, ठीक। तो ये ग्रुप वन और ग्रुप टू का ज्यादा कुछ है नहीं आपको याद रखने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतना देख लो वो क्या करते थे, वो रेड्स वगैरह करते थे, फाइन। एंड इसमें बॉयज, स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स ने भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। तो दो इंपॉर्टेंट गर्ल्स के नाम आप यहाँ पे याद रखोगे, स्कूल गर्ल्स के, कल्पना दत्त, प्रीति लता, ठीक है। ये दो स्कूल गर्ल्स के नाम आप यहाँ पे याद रखोगे। आगे देख लो, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, ठीक है, इनको हैंग किया गया था लाहौर जेल में, वर हैंग्ड इन लाहौर जेल फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक। तो ये डेट आप याद रखोगे, इससे रिलेटेड चीजें हमें थोड़ी आगे भी फिर देखनी है, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। बाद में जो चंद्रशेखर आजाद हैं, उन ही किल्ड हिमसेल्फ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द पुलिस। चंद्रशेखर आजाद killed himself
ठीक है, तो ये बताता है कि बाद में जो आपके रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे इम्पोर्टेंट, उनका क्या क्या हाल हुआ था। इनको फांसी दी गई थी बेचारों को, और एक ने खुद को मारा था, चंद्रशेखर आजाद ने। तो ये इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे आपके, फाइन। उसके बाद मैंने आपको कहा था ग्रुप टू भी था एक, जो किससे रिलेटेड था, चिटगोंग, जो आपको बंगाल से रिलेटेड, ठीक है। ग्रुप टू बंगाल रेवोल्यूशन नेशनलिस्ट। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट नाम याद रखना है, सूर्य सेन। ये बेसिकली गांधीआइट थे, पहले गांधी को काफी फॉलो करते थे, लेकिन जब नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें इनने काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, उसको गांधी जी ने कॉल ऑफ किया था, तो इनको बात पसंद नहीं आई थी, और रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट की तरफ बाद में मुड़ गए थे, ठीक है। तो थे क्या, बेसिकली एक स्कूल टीचर थे शिटगोंग में, स्कूल टीचर शिटगोंग। शिटगोंग कहाँ पे है, बांग्लादेश में, ठीक है, शिटगोंग बांग्लादेश। इनको मास्टर दा भी बोला जाता था, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। इनकी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने स्टार्ट करी थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसमें रॉबरी ऑफ आर्म्स वगैरह करते थे, ठीक, रिपब्लिकन आर्मी। तो बेसिकली इनको किसके लिए याद किया जाता है, इनका जो भी सूर्य सेन है, इसकी इनके अंडर काफी रेड्स वगैरह कंडक्ट हुई थी, एंड इनमें काफी स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, स्कूल गर्ल्स ने। तो दो इंपॉर्टेंट नाम आप यहाँ पे स्कूल गर्ल्स के याद रखोगे, कल्पना दत्त एंड प्रीति लता, कल्पना दत्त एंड प्रीति लता, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का। फिर हम थोड़ा देख लेते हैं हमारा लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, एंड फिर हमें देखना है साइमन कमीशन, या पहले हम साइमन कमीशन देख लेते हैं, वो ज्यादा छोटा है, फिर देखते हैं लाहौर सेशन कब करेंगे, आज करें या नेक्स्ट वीडियो में। देखो साइमन कमीशन था क्या, बेसिकली एक कमीशन आई थी रिफॉर्म्स देने के लिए, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स डिस्कस करने थे। साइमन कमीशन एम क्या था साइमन कमीशन का, तो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, साइमन कमीशन का एम पूछा जा सकता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। लेकिन उसको यहाँ पे बॉयकॉट किया गया था, बॉयकॉट करने का क्या रीजन था, ये एक ऑल व्हाइट कमीशन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडियंस के लिए डिस्कस हो रहे थे, लेकिन इसमें कोई इंडियन जो था वो प्रेजेंट नहीं था, कोई इंडियन मेंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं था, ये एक ऑल व्हाइट कमीशन थी, सारे व्हाइट मेंबर्स ही थे, दैट मीन सारे इनके ब्रिटिश के ही लोग थे, ठीक है, ब्रिटिश, सारे ब्रिटिश ही थे इसमें कमीशन में, किसी भी इंडियन को उसने इनने इंक्लूड नहीं किया था, फाइन। ये इसके जो हेड थे उनका नाम साइमन था, एंड इसमें 6 अदर मेंबर्स थे। तो इनका क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ये या तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म डायरेक्टली लिखा हो सकता है ऑप्शंस में, या तो कुछ पॉलिटिकल कंसेशंस, इसका सेकेंड नाम, पॉलिटिकल कंसेशंस ग्रांट करने के लिए इंडियन को। तो जो इन्होंने बोला आगे से, जो भी इन्होंने चीजें कही थी, बाद में इनकी रिपोर्ट भी एक प्रिपेयर हुई थी, वो भी किसी ने एक्सेप्ट खास नहीं करी थी, ठीक है। तो इसको बॉयकॉट किया गया था क्योंकि इसमें कोई इंडियन इंक्लूड नहीं था, फाइन। तो इनकी रिपोर्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ब्रिटेन के, ठीक, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा आईएनसी को, ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं, साइमन की जो रिपोर्ट है वो भी नहीं माननी है जो इन्हें रिपोर्ट दी थी, तो आप क्या करो, खुद से अपनी जो रिपोर्ट है वो कोई तैयार करके आओ, फिर हम देखेंगे क्या क्या रिफॉर्म्स जो है हमें आपको देने हैं। और इसी डिस्कशन के बाद एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट क्यों आई थी, क्योंकि जो साइमन कमीशन ने रिफॉर्म्स दिए थे वो एक्सेप्ट नहीं हुए थे, ऑल्दो इसको बॉयकॉट किया था, लेकिन इस ये आई थी, इसको अपना काम तो करना था, इसने कंसेशन दी थी कि क्या क्या कंसेशन देनी है, वो सारे जो पॉइंट्स है वो रिटन फॉर्मेट में इसे प्रेजेंट करे थे, लेकिन आईएनसी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया था। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है लॉर्ड बिर्कनहेड, उनका नाम था, वो आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इंडियंस को बोला ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं मानना है, ये रिपोर्ट नहीं माननी है, अगर आप इतने केपेबल हो, आप में पोटेंशियल है, खुद से एक रिपोर्ट बनाओ और बोलो आपको क्या क्या चाहिए। तो इसी बात पे नेहरू रिपोर्ट आई थी, और नेहरू रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको साइमन का याद रखना है, साइमन कमीशन आई थी, एम्स क्या थे, इसको बॉयकॉट क्यों किया गया था, क्योंकि सारे मेंबर्स जो थे वो वाइट थे, एंड जब ये यहाँ पे आई थी तब लोगों ने स्लोगन्स जो है वो रेज किए थे, गो साइमन गो बैक, गो नहीं गो साइमन गो बैक नहीं, साइमन गो बैक, ठीक है, ब्लैक फ्लैग्स वगैरह इसको दिखाए थे, साइमन गो बैक। एंड जो इसकी रिपोर्ट थी, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ अब यहाँ आने का, कि इसने अपनी रिपोर्ट तो प्रिपेयर करी ना, जैसे मैंने आपको कहा, इसका सिग्निफिकेंस था उसी रिपोर्ट के बाद में डिस्कस करने के लिए लेटर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी,
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी, एंड हमें बाद में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पढ़नी भी है, फाइन। एंड कुछ जो पॉइंट थे सैमन कमीशन की रिपोर्ट में, उसको इंक्लूड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आई गेस यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं आज का, जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो इम्पोर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी, सारा आपके सर के ऊपर से ना जाए इस वजह से हम थोड़ा एक रिविजन कर लेते हैं। रिविजन करने से क्या होता है, बार बार चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक। तो ये है आपका थर्ड, अच्छा ये इवेंट बिटवीन 1922 टू 1930 जो मैंने कहा था आज डिस्कस करेंगे। इसमें से हमने कौन सी चीज डिस्कस करी, हमने स्वराज पार्टी कर लिया, हमने फेज टू ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म कर लिया, हमने सैमन कमीशन किया। नेक्स्ट में हम लाहौर सेशन देखेंगे, ठीक है। दो तीन लेक्चर्स और एंड आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एनसीएम कॉल ऑफ की थी, चोरा चोरी मूवमेंट जो है, चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, उसको पुलिस स्टेशन को जलाया गया था, एंड गांधी जी ने क्या किया था, फिर बाद में कॉल ऑफ किया था इस मूवमेंट को अचानक से ही, आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। उसके बाद क्या हुआ था, गांधी जी को अरेस्ट किया था, एंड कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो थे वो आगे थे कि हमें नेक्स्ट क्या करना है विद इन द कांग्रेस। कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आगे थे क्योंकि अब एक गांधी जी जो एक एज लीडर इमर्ज हुए थे वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। तो वो हमें डिफरेंसेस किस में देखने को मिले, इट कल्मिनेटेड इनटू टू पार्टीज, एक आपके प्रो चेंजर्स थे जिनको स्वराजस बोलते हैं, एक आपके नो चेंजर्स थे। प्रो चेंजर्स जो थे वो कहते थे नहीं थोड़ा बहुत चेंज लाना है हमें, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने दो, ठीक है, और हमें मेंबर बनने दो सीएलए एंड पीएलए का, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका क्या मानना था कि अगर हमें काउंसिल एंट्री मिलती है, काउंसिल एंट्री एक कीवर्ड याद रख लो, कभी कभी एग्जाम में ऐसे करके भी क्वेश्चन फॉर्मेट होता है काउंसिल एंट्री, तो काउंसिल एंट्री इसी चीज के रिलेटेड है, तो इसी काउंसिल में इनको एंट्री चाहिए थी। तो इनने कहा अगर हमें काउंसिल एंट्री मिलेगी, हम विद इन द काउंसिल विद इन द गवर्नमेंट रह के भी इंडिया फ्रीडम मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। नो चेंजर्स ये चीज नहीं मानते थे, उनने कहा नहीं जो गांधी आइडियल्स हैं हमें उन्हीं पे चलना चाहिए, ब्रिटिश क्या कर रहे हैं ये इलेक्शन हमें कंटेस्ट करने दे के ये क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चलाएंगे। इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, इसके राजागोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद एंड जे बी कृपलानी, ही वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन, ठीक। फिर जन 1 को 1923 में क्या हुआ था, खिलाफत स्वराज पार्टी जिनको स्वराजिस्ट बोलते हैं, या इसको द स्वराज पार्टी भी बोला जाता है, द स्वराज पार्टी, ये पार्टी फॉर्म हुई थी। ये विद इन द कांग्रेस ही एक जो है ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी आप बोलो, विद इन द कांग्रेस ही बना था ये, ऐसे एक वॉयलेंट स्प्लिट नहीं था, अनलाइक योर सूरत स्प्लिट जब मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे, वो काफी एक वॉयलेंट स्प्लिट था। तो आप इसको बोल सकते हो ऑल्दो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी, तो इसको आप बोल सकते हो ये साइलेंट या एक नॉन वॉयलेंट स्प्लिट हुआ था विद इन द कांग्रेस। उसके बाद इनका एम जो था खिलाफत स्वराज पार्टी का, इनका स्टार्टिंग से क्या था, टू अटेन स्वराज, क्योंकि तब तक कांग्रेस भी इस बात पे अग्री हो गई थी हमारा एम होगा अटेन करना स्वराज। मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या था, हमें कॉन्टेस्ट करने दो इलेक्शन, विद इन द काउंसिल हम क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे अपनी। फिर 1923 से लेकर 1926 तक इनका टाइम हम ट्रेस करते हैं, बीच में दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आए। 1925 में सी आर दास इनके इंपॉर्टेंट लीडर की डेथ हो गई, एंड विठल भाई पटेल को प्रेजिडेंट बनाया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, ही वॉज अ फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू दिस पोस्ट। फिर स्वराजस जो है इनको अगेन डिवाइड हो गए थे दो में, रेस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट। रेस्पॉन्सिविस्ट थे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय वगैरह, ये चाहते थे कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलना चाहते थे, उनको सपोर्ट करना चाहते थे, एंड ये ज्यादा बात किसके करते थे, हिंदू इंटरेस्ट वगैरह की। तो नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट एक दूसरे इनमें ब्रेक आ गया, जो इस रेस्पॉन्सिविस्ट वाली आइडियोलॉजी पे बिलीव नहीं करते थे वो स्वराज से अलग हो गए, एंड अपना उन्होंने क्या उनको क्या बोला जाता था, नॉन स्वराज, नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट। फिर आपका आगे रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म फेज टू 1923 टू 1931, इनका एम था पूर्ण स्वराज, ठीक है। अभी तक हमने कांग्रेस का ये एम नहीं पढ़ा है, ये किसका एम है, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का। ये स्टार्टिंग से वॉयलेंट थी, इनका मेथड था किल टू किल द ब्रिटिश स्टार्टिंग से ही, तो लूटिंग, डिकॉइटीज, रॉबरी वगैरह ये करते थे, एंड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ये बनाते थे, ठीक है, अभिनव भारत वगैरह, अभिनव भारत, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज थी। फिर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में भी इनको डिवाइड किया जाता है। ग्रुप 1 हो गए वो एक्टिविटीज जो हुई थी आपके यूपी, बिहार, पंजाब में, ठीक है, वहां के जो रेवोल्यूशन नेशनलिस्ट थे, एंड ग्रुप 2 इज योर बंगाल, जो बंगाल के रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे। तो ग्रुप 1 जो आपका है बिहार, यूपी एंड पंजाब वाला, वहां का देखते हैं वहां क्या क्या हुआ। 1924 में उन्होंने एक आर्मी बनाई, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, कानपुर में। किसने बनाई, सचिन सान्याल एंड राम प्रसाद बिस्मिल, एंड और एक नाम है अशफाकुल्ला खान।
अशफाक उल्ला खान, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी रॉबरी करी थी? काकोरी रॉबरी। फिर 1928 में एचआरए का नाम चेंज करके क्या रखा गया था? एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी, ठीक है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह सब जो है वो इसी के ही पार्ट थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने असैसिनेट किया था सॉन्डर्स को, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ठीक है। 1928 में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने एक बॉम्ब जो है थ्रो किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे, एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब था, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए? पब्लिक सेफ्टी बिल, कि इंडियंस जो है वो वेपन्स नहीं रख सकते हैं, उनको परमिट नहीं दिया जाएगा। एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो किसको कर्ब करने के लिए था? ट्रेड यूनियंस को। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु को उनको फांसी जो है वो दी गई थी लाहौर जेल में फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। जो चंद्रशेखर आजाद थे, ही किल्ड हिमसेल्फ। देखो अगर हिस्ट्री पढ़ने में जाओ ना तो काफी डिटेल में, काफी डिटेल्ड एक सब्जेक्ट है ये, तो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए मैंने वही आपके लिए बताया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर ग्रुप टू जो है आपका, वो उसके इम्पोर्टेंट कौन से लीडर थे? सूर्य सेन, ये स्कूल टीचर थे शिटगोंग बांग्लादेश में, फाइन। एंड इन्होंने एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, वो मेनली क्या काम करती थी? रेड्स वगैरह कंडक्ट करती थी। एंड इसमें दो इम्पोर्टेंट स्कूल गर्ल्स के नाम याद रख लोगे आप, कल्पना दत्त एंड प्रीतिलता। तो इनमें स्कूल गर्ल्स एंड स्कूल बॉयज वगैरह ये सभी पार्टिसिपेट करते थे। फिर हमने देखा साइमन कमीशन, इसका एम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लेके आना, या पॉलिटिकल कंसेशन बोल लो इंडियंस को देने के लिए। इसको बॉयकॉट क्यों किया था? क्योंकि ऑल व्हाइट मेंबर कमीशन थी, इसमें कोई भी इंडियन इंक्लूड नहीं था, ठीक है। तो इसके बाद जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था आईएनसी ने, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था आईएनसी ने। तो इनके जो लॉर्ड बकनहेड थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने इनको चैलेंज किया आईएनसी को, कि अगर आपको ये रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करनी तो जाओ खुद से एक, ये जो है आप बताओ, एक फॉर्मेट बनाओ या रिपोर्ट बनाओ और हमें बताओ कि आपको क्या कंसेशन चाहिए। अकॉर्डिंगली नेहरू रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करी गई थी, ठीक है। तो जब भी इंडिया आए थे साइमन कमीशन, उस टाइम पे स्लोगन रेज किए गए थे साइमन गो बैक, एंड इनका क्या सिग्निफिकेंस था? बाद में जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी उसी के अराउंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जो है वो बनाई गई थी। एंड साइमन रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। तो ये हुआ आपका साइमन कमीशन वाला भी, एंड अब हमें पढ़ना है लाहौर कांग्रेस, ठीक है। तो आई होप जितना हमने आज पढ़ा आपको क्लियर हो गया हो सारा। तो जो रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड प्रिपेयर वेल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।